हेलो डियर, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिलोंग टू के दो हिंदी मीनिंग। देखिए, पहला इसका मीनिंग होता है किसी की प्रॉपर्टी होना। अब प्रॉपर्टी होने का मतलब है कोई भी छोटी मोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, अगर किसी व्यक्ति की है तो आप वहां पे यूज कर सकते हो बिलोंग टू। कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे दिस कार बिलोंग्स टू माई फादर, मतलब ये जो कार है ना, ये मेरे पिताजी की कार है। तो किसी भी वस्तु की अगर कोई किसी व्यक्ति की है तो आप वहां पे बिलोंग टू से बोल सकते हो। इसी सेंटेंस को आप बोल सकते हो दिस इज माई फादर्स कार। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, डज इट बिलोंग टू यू, क्या ये चीज तुम्हारी है। यहाँ पे इट यूज किया है हमने किसी पर्टिकुलर वस्तु के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए, तो हम पूछ रहे हैं कि ये क्या ये तुम्हारी है। इसी जगह आप बोल सकते हो इज इट योर्स। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा इसका यूज देखते हैं बिलोंग टू का, किसी का मेंबर होना यानी किसी का सदस्य होना। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैंने कहा आई बिलोंग टू एमपी, मतलब मैं एमपी से हूँ, मैं एमपी यानी मध्य प्रदेश का एक सदस्य हूँ, इसलिए मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं पैदा वहां पे हुआ हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं एमपी से हूँ, इसी को मैं बोल सकता हूँ आई बिलोंग टू एमपी। दूसरा सेंटेंस में बोल सकता हूँ आई बिलोंग टू आ पुअर फैमिली, मैं एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक गरीब परिवार से मैं आता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे बिलोंग टू का मतलब होता है मेंबर, किसी का मेंबर होना, और यहाँ पे बिलोंग टू का मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी होना। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बिलोंग टू के दोनों हिंदी मीनिंग समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।